हे नमस्कार दोस्त, कैसे हो यार? परी के जो बच्चे ने कि करके अभी 45 डेज के हो गए हैं, तो जिन घर में इनको जाना है वो भी बड़े सुपर एक्साइटेड हैं कि जल्दी से कब वो घर पर आए। तो अभी जो है छुटकी कल जाने वाली है, तो उससे पहले आज इसको मैं वैक्सीनेशन करा दूं। अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। मैं चाहता हूँ जितना 45 डेज तक जितना वैक्सीनेशन हो सकता है बेस्ट टू बेस्ट वो मैं करा दूँ, ताकि अगले घर जब ये जाए तो मुझे एक तसल्ली रहे कि हाँ मेरे एंड पे जितना हो सका था मैंने किया। तो अभी हम चलते हैं छुटकी को लेके डॉक्टर के पास, ताकि इसको इसका जो सेकंड वैक्सीनेशन है वो लग जाए, और बाकी फिर हम दिखाएंगे डॉक्टर साहब ने कैसे घर आके नेक्स्ट डे बाकी बचे हुए सभी बच्चों को वैक्सीनेशन किया। लच्छा बलुक। हे माय स्वीटी पाई, छुटकी छुटकी का स्पेशल वैक्सीनेशन एक दिन पहले। हाँ अरे चुटकी देखियो, ये देख। हाँ चुटकी करो क्या? अभी छुटकी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि हाई तो नहीं है। बोले बेबी बेबी, बोले स्वीटी, बोले बाबू बाबू बाबू, ठीक है? तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, पकड़ के रखूंगा, है ना बेबी? हेलो माय बेबी, ओ ओ हेलो बेबी, सॉरी। ओ 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 रुकियो रुकियो रुकियो, तेरे पैर तो दिखा जरा। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हो गया बस, हो गया, अरे हो गया भाई। वो एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है, बहुत प्रोएक्टिव भी है। तो परी की टू कॉपी है भाई, बैठ जा। ओए स्वीटी, वेट वेट वेट, बाबू बस हो गया हो गया हो गया। हाँ रुक रुक कर, मेरे हाथ में कैमरा है, थोड़ी सी रुक। बस हो गया इंजेक्शन लग गया, अब कोरोना वायरस नहीं आएगा आपके पास, है ना? कार्ड तो लाए? हाँ यार, कार्ड में घर ही छोड़ा है, कल सुबह कर लो। चलो ठीक है। आज जो है परी के पॉप्स के जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन सेकंड वैक्सीनेशन है डॉक्टर साहब, जो शेड्यूल था पहला आपने वैक्सीनेशन का वीडियो देखा, और सेकंड वैक्सीनेशन है कौन सा सर जी? ये कोरोना वायरस के लिए, जो कोरोना वायरस आज के लोग इससे डरे हुए हैं, वही कोरोना है लगभग, मोर लेस वही है। अच्छा, तो इसका जो इंजेक्शन अभी लगता है ये कौन सा दिन लगता है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके? ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा, इससे बोसन वगैरह कॉमन है इसका सिम्टम्स। अच्छा, तो वो नहीं होगा, इससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, इसका बूस्टर भी लगेगा एक महीने के बाद। ओके, तो दिस इज द सेकेंड वैक्सीन आफ्टर 7 इन 1। ओके, और तो 7 इन 1 के बाद अगला है कोरोना वायरस का जो एंटी वायरस है वो, तो इसके करते हैं पंजी से शुरुआत सर। उत्तरी हाँ बस खुश पंजी। इंजेक्शन लगाने के बाद जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, बॉडी को थोड़ा रब कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब उसका रीजन एक बार दोबारा बताना व्यूअर्स को। अगेन सेम कि ड्रग जो है उसका वैक्सीन चारों तरफ फैले, अच्छा कोई नॉट ना बने, कोई टिश्यू रिएक्शन ना हो, कोई पेन ना हो, ऑल दी डिटेल्स। ऑलराइट, तो कई बार इंजेक्शन लगाने से गांठ पड़ जाती है, उसको रब कर देना चाहिए ताकि पूरा डाइल्यूट हो जाए, पूरा जो है उसका वो फैल जाए। तो अभी दूसरा मेरे सामने दिख रहा है क्यूटी पाई, है आ जा बेटा, ये है हमारी हाई क्यूरी, शक्ल तो दिखा दे, इंजेक्शन लगने वाला तेरे भी। हाँ क्रिस्टी है, क्रिस्टी तो का नंबर आ गया है, डॉक्टर साहब से हेलो बोल दो। हम तो अभी बच्चे बहुत डरते हैं डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने आते हैं, डॉक्टर साहब दिखा रहे इंजेक्शन जरा जो लोड कर रखा है। इंजेक्शन देख के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे, बच्चे रोते भागते नजर आते हैं, तो इंजेक्शन से तो हर भी डरता है बच्चों में, लेकिन इन्हें कोई फेयर नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि पेनलेस इंजेक्शन लगने जा रहा है। अच्छा पेनलेस होते हैं ऑलमोस्ट। ओके माय बेबी होल्ड, इसका हो गया। हां ए रोबो बदमाश, क्या रोबो आ जा रोबो, कोई खाने की चीज दे दो, क्रिस्टी का हो गया।
पंजी का हो गया, क्रिस्टी का हो गया। रोबो इज विलिंग टू गेट इंजेक्शन। ओके तो रोबो मच है। हेलो बेबे, देखिए सामने तो दिखा दो जरा। हां हेलो, चल भाई रोबो आ जा, तेरी बारी है, बैठ जा। रोबो के इंजेक्शन लग गया भाई, रोबो के इंजेक्शन लग गया। रोबो भाग जा तू भी, चल। अभी कौन बच गया? कॉस्मो और परी टू को दे दो। रोबो तो बदमाश, ये बड़ा बदमाश हो गया सर। आज जो ना क्या हुआ कि छुटकी हमारी आज चली गई, तो छुटकी जब गई तो जिसके थ्रू वो गई थी, जो व्यक्ति उनको लेके जा रहा था, उनको मैंने फोटोज भेजे, मैंने कहा 45 डेज के हैं, 45 डेज प्लस के हो चुके हैं, ले जा। तो आगे शौक हो गया, कह रहा सर ये तो अब 3 महीने का बच्चा दे रहा है। मैंने कहा भाई 3 महीने का नहीं, 45 डेज का है, थोड़ी बोल रहे हैं, टू एंड हाफ है ना। जब पिछली बार आए थे आप कह रहे थे 1.5 महीने से ऊपर, नहीं 2 महीने से ऊपर, और आज जो है 3 मंथ्स के लग रहे हैं। हाँ ब्रोबो तो चैम, हाँ माय बेबी, ओले ओले बबुआ, चल चल दौड़ में तो कोई भी 3 महीने कहेगा। सही बात। ओ भाई परी आ गई, सबसे बदमाश है, पूरी गैंग की बदमाश है। देखना सर आजा, इसकी ब्रेड देख के बताओ सर एक बार कैसी लग रही है। देखना फीमेल है, जब भी विनिंग करते हैं मतलब कोई पपी लेंगे तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेंगे, नॉट एज एंड एनीथिंग। तो आप ये कह रहे हैं हमारे जो पॉप्स हैं परी के, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने दिमाग है। अच्छा लगता है सुन के, कोई एक्सपर्ट और एक डॉक्टर जब ऐसे बोलता है। रोबो तुम्हारा स्क्रैच कर देगा आईफोन। तो अब हमारी परी टू की बारी आ गई है। चल भाई परी टू, प्रदेश भाई परी द स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी नेवर क्राइज। अभी रोबो के साथ देख, रोबो आगे पंगे ले रहा है इससे, देखो। हाँ भाई रोबो बदमाश, ये कैरी इंजेक्शन लगने में इतना दर्द नहीं हुआ जितना मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये पता तेरी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है ना, ताकि तुझे प्रॉब्लम ना इंजेक्शन से कोई। ओके ये रोबो कह रहा मुझे भी गोद ले लो भाई। हाँ मुझे नीचे बिठाया हुआ, गोद नहीं ले रहा कोई, अभी लेते। अभी कौन सा बच गया? कॉस्मो, कॉस्मो ना, कॉस्मो आ जा, कॉस्मो आ जा बेटा, आ जा भाई कॉस्मो टू, मेरा डोबरमैन है कॉस्मो, इसका नाम कॉस्मो टू रखा हमने। ओ हिला दिया पूरा माइक। ओके तो अभी जो है कॉस्मो टू की बारी आ गई है, सबसे बदमाशी गैंग का उस्ताद है ये। अरे 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 बस भाई बस, हाँ इसमें शरारती दिमाग बहुत है इसका सर। अच्छा इस कल परसों मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इसने बड़े रस्ते ढूंढे कल परसों एक टेस्ट में। चलो कैपेबिलिटी तो है बस उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत। हाँ जी ये देखो सबने प्यार से लगवाया, ये खुरापाती में लगा रहा है बस। हाँ भाई कॉस्मो, ए माई कॉस्मो बेबी। तो गाइस अभी जो है मैं आपको दोबारा से याद दिलाता हूँ, जब भी घर में पप्स होते हैं, घर में पपी लाते हो, पहली बात तो कम से कम 45 डेज से पहले लाएगा, और जब आप लेकर आते हैं घर पे तो उसको जो खाने के ऊपर डाइट का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तीसरा वैक्सीनेशन का भी बना चुका हूँ, फर्स्ट वैक्सीनेशन में आपने क्या किया था वो मैं बता चुका हूँ, आज जो सेकेंड वैक्सीनेशन है, सेकेंड वैक्सीनेशन में क्या करना है वो मैं आपको बता दिया है। कोरोना वायरस का सेकेंड वैक्सीनेशन होता है जो कि सर पहला, वैसे पहले कुछ लोग कह रहे थे 45 डेज में लगता है, अपने पहले क्यों लगवा लिए, तो मैं आपको बता दूं कि कितना 38-39 डेज में लग गया था पहला इंजेक्शन। उसका कारण मैं बता दूं भाई, ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे पार्वो वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो एज ए प्रिकॉशनरी तौर पर जो है हमने वैक्सीनेशन करवा दिया था, जो कि डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से 5 से 7 दिन आगे भी चलता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके तो 30 डेज जो है सफिशियंट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि सीजन चल रहा है आजकल पार्वो का, रिस्क लेना बेकार है कि बच्चे की जान चली जाए किसी की। तो आज जो है सेकेंड वैक्सीनेशन हो चुका है,
अब जो वैक्सीनेशन लास्ट टाइम होता है उसके ठीक 30 दिन के बाद बूस्टर लगेगा, और आज वाले इंजेक्शन का भी नेक्स्ट बूस्टर जो है अब लगेगा ठीक 1 मंथ के बाद। तो सर इन दोनों के अलावा कौन से बच्चे हैं थोड़ा वो भी बता दीजिए रिमाइंडर। अब बूस्टर लगेगा जब ये 3 महीने के हो जाएंगे तब हम एंटी रेबीज लगाएंगे। ओके, तो अभी खाली एंटी रेबीज लगना है, एंटी रेबीज एंड कैनल कफ। कैनल कफ, हाँ। और उसके भी 1 महीने बाद फिर उनका बूस्टर बूस्टर, लगेगा। हाँ। कैनल कफ कौन से दिन लगाना है, ठीक 3रे महीने दोनों से या अलग अलग? थोड़ा गैप रख लेंगे 2-4 दिन का। 2-4 दिन का। ओके ऑलराइट। ओके तो वैक्सीनेशन में दोबारा से रिपीट कर दूं, सबसे पहले 7-in-1 हमने लगाया, फिर पॉपी डीपी भी चल रहा है। पॉपी डीपी वो 30 डेज पे ही लगता है, थोड़ी से बीच का रास्ता अपना है, वो मैं आपको बोलना भूल गया। अच्छा, कि ना मैं 30 डेज पे लगाया ना 45 डेज पे, बीच वाले और उसके 5 दिन बाद या हफ्ते बाद जो है कॉफ, कौन सा बताया? कैनल कफ। कैनल कफ ताकि कुत्तों को कई बार खांसी हो जाती है और हाफते हैं। अच्छा, ओके, तो यार डॉग्स को पालना बच्चे की तरह, उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना ताकि उनको बीमारियां ना हो और वो हेल्दी रहें और हमेशा आपके परिवार के साथ आपके साथ जो है एक हेल्दी लाइफ जी सकें। से गुड बाय कॉस्मो, गुड बाय, बाय डॉक्टर साहब, गुड बाय। कॉस्मो टू, कॉस्मो टू, कॉस्मो सन। चलो कॉस्मो बनाओ। डॉक्टर साहब और भी छोटी मोटी एडवाइस देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को डॉग केयर के बारे में? आप सारा कुछ कर ही दिए कि वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजीज मैनेजमेंट इसको आप कह सकते हैं कि जो भी डिजीज आगे होना है उसके प्रिवेंशन के लिए हम लगाते हैं। यू नो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली, अगर एक बार वो हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए आप कितना एफर्ट लगाते हैं, लेकिन वैक्सीन तो बस 2 शॉट्स लगाने हैं, नथिंग एल्स। तो भाई ये मैं सोचू कि डॉग बीमार हुआ तब इलाज कराओगे, पहले ही करवा लो। मैंने एक सर देखा है सर, यार बुरा मत मानना दोस्तों, लेकिन कई बार जाने जाने भी ऐसा हो जाता है, डॉग तो लोग घर ले आते हैं उनको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती कि वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, उन्हें खाली इतना पता है कि एक एंटी रेबीज लगना है बस, काटने वाला। हाँ, काटने वाला। इट्स अ मतलब ह्यूमन में भी फैलता है, तो इस वजह से लोग सिर्फ ये समझते हैं कि रेबीज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो भाई सारे वैक्सीनेशन कराने हैं ताकि डॉग को कोई बीमारी ना हो और फ्रीली कहीं भी बाहर वो घूम सके किसी डॉग के से इंफेक्शन होने के बाद। तब उसके बाद हम आते हैं ना, जब बाइट करेगा तब तो रेबीज की बात है, पहले तो इनका हेल्थ इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सारा है, कोरोना है, लेप्टो है, उसके बाद देखें। ओके, चाय आ गई है, थैंक यू सो मच। मेरा बेटा भी देखा वीडियो। अच्छा अच्छा, ये कंपनी घर गए थे, मुझे तो आप नहीं ले गए। अरे तो उसको ले आते आज, तो कौन अंकल है? तो बोले अंकल आते हैं, मुझे बोलते हैं छोटे डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब चाय पीजिए। चाय तो मैं तो जानते हो भाई, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, देसी लोग हैं तो सर दूध लस्सी पीने वाले, छाछ पीने वाले। हाँ, छाछ पीने का मुझे तो पता है, छाछ पीने तुम लोगों तो मतलब आदत नहीं है ना छाछ की, हमारे कल्चर में उतना नहीं है कॉमन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर्दी जुकाम हो जाता है। अरे अच्छा, छाछ इज वेरी गुड मतलब ऐसे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग योर ओन चैनल, दिस इज योर ओन फैमिली चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। You can also follow us on Instagram, and the Instagram address is the Royal Soldier at Instagram. Dusra hai Doberman Expert at Instagram. Facebook mein zyada access karta nahi, par ek account bana hua Doberman Expert at Facebook. Thank you so much, guys. Once again, video pasand aaya, informative laga ho to doston ke saath share kare taki unko bhi ghar baithe jankari mil sake unke dog care ke bare mein. Aur aise hi pasand karte rahein, apna pyar banaye rakhein. Love you all, guys. Take care of yourself. Jai Hind. Have a nice day.